सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अपना छठा और पहला अंतरिम बजट पेश करी है। यह चुनावी साल है, ऐसे में नई सरकार के गठन से पहले अस्थायी व्यवस्था के तौर पर अंतरिम बजट पेश किया जाता है। यह नई सरकार के आने तक वोट ऑन अकाउंट की तरह होगा, जिसमें सरकार अपने राजस्व और व्यय के अनुमान पेश करके मार्केट में निवेशकों का भरोसा बनाए रखने की कोशिश करती है। यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए बेहद खास है, क्योंकि यह उनका पहला अंतरिम बजट है। इससे पहले वह 5 पूर्ण बजट साल 2019 से 2023 के बीच पेश कर चुकी है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल के अंतरिम बजट पेश किया था। 2019 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना, टैक्स छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कई महत्वपूर्ण ऐलान अंतरिम बजट में ही किए थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अरुण जेटली ने वित्त मंत्री का पद संभाला था और उन्होंने साल 2024 से 2019 तक बजट पेश किया था, मगर उनके खराब स्वास्थ्य के कारण बाद में यह पद पीयूष गोयल को दे दिया गया। ऐसे में उन्होंने 1 फरवरी 2019 को मोदी सरकार का पहला अंतरिम बजट पेश किया था। परंपरा के अनुसार इस साल भी वित्त मंत्री सुबह 11 बजे अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं।